छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भगवान राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि माफिया राज भी कांग्रेस की ही देन है और ये शब्द इटली से आया। 20 तारीख को है मंगलवार, मंगलवार है बजरंग बली का वार। याद रखना, बजरंग बली राम के भक्त हैं और हम सबका एक भाव होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्दपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा खड़ी की है, उस कांग्रेस को हम अपना कोई वोट दे करके इसको खराब नहीं करेंगे। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव आयोग को तत्काल इस पे सख्त से सख्त एक्शन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा, इस तरह का वक्तव्य चुनाव में धर्म को घसीट के नहीं दिया जा सकता है। और आज बताने को बीजेपी के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये लोग फिर वही हथकंडे अपना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र इस पे सुसंगत धाराओं और विधियों के अनुरूप कार्रवाई करेगा। तो योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को घेरते हुए यहाँ एक बार फिर से, और राम मंदिर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं उनके इस बातचीत में नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि राम मंदिर जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कहते नजर आए। तो सवाल यही है कि क्या राम के सहारे है बीजेपी, और जिस तरीके से योगी राम राग अलाप रहे हैं, क्या ये जीत दिला सकेगी बीजेपी को?